हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। कॉस्ट अटैच कंसेप्ट जो है वो कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। कॉस्ट में मतलब कीमत। जब हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मतलब फॉर एग्जांपल अगर सिंपल अगर आप कुछ परचेज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोबाइल का ले लो, आपका आप मोबाइल ले रहे हो तो आप क्या करोगे। जितने भी कंपनीज़ है वो हर एक कंपनी का मॉडल, उसके फंक्शंस फीचर्स वो देखोगे और उसकी प्राइस देखोगे। ओके, और उस हिसाब से आप क्या कर लोगे, जो जिस कंपनी का मोबाइल प्राइस भी अच्छी है, मतलब आप के हिसाब से ठीक है, उसके बाद उसके फीचर्स अच्छे हैं, फंक्शंस अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे, वही मोबाइल परचेस करोगे ना। या फिर कोई कोई लोग होते हैं, मतलब किसी को ब्रांड वाइज परचेस करना अच्छा लगता है, मतलब उसमें फीचर क्या है, फंक्शंस क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ब्रांड इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ कस्टमर इस टाइप के होते हैं कि उनको ब्रांड है तो ओके, नो डाउट, मतलब उस फंक्शंस से हमें कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन ये ब्रांड अच्छा है तो हम वही लेंगे। या फिर कहीं कोई कोई कस्टमर इस टाइप के होते हैं कि उनको वो प्राइस भी देखते हैं और उसके फंक्शंस भी देखते हैं और वो कंपेयर करके वो चीज़ें परचेस करते हैं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि फंक्शंस वगैरह कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, प्राइस कम है तो लेते हैं, या फिर किसी किसी को प्राइस अच्छी है, ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसी कंसेप्ट होती है कई कस्टमर की। तो वो जितने कस्टमर के टाइप है उस टाइप से ही प्रोडक्ट जो है वो सेल परचेस होता है। मतलब कॉस्ट जो है वो क्या होती है, कॉस्ट मेन थिंक है प्रोडक्ट की। मतलब अगर तुम उस खुद का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप तुम लोग भी क्या करोगे, रॉ मटेरियल देखोगे, दो तीन जगह जाके रॉ मटेरियल देखोगे आपके प्रोडक्शन के लिए, और जो रॉ मटेरियल कम दाम में अच्छा मिल रहा है वो आप परचेस करोगे, और उससे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट तैयार करोगे। मतलब वो कॉस्ट शीट बनाते हो ना आप, या फिर प्राइस निकालते हो, अगर मुझे एक पेन तैयार करना है तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, और उस हिसाब से कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उसको ही कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ गए। और कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो अकाउंटिंग हो या कॉस्टिंग में हो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कॉस्ट हमारे लाइफ में ही इम्पोर्टेंट थिंग है, मतलब विदाउट कॉस्टिंग या विदाउट कैलकुलेटिंग हम कुछ नहीं करते हैं। दिस कंसेप्ट डज नॉट रिकोगनाइज द रियलाइजेबल वैल्यू, द रिप्लेसमेंट वैल्यू और द रियल वर्थ ऑफ एन एसेट दस एज पर कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, एंड एन एसेट इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, दैट इज एट इट्स कॉस्ट, एंड दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। द कॉस्ट कंसेप्ट डज नॉट मीन दैट द एसेट विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट, इट ओनली मीन्स दैट कॉस्ट बिकम द कॉस्ट मीन्स cost become the basis for all subsequent accounting for the assets, thus the assets recorded at cost at the time of purchase may systematically be reduced by the process of depreciation. Okay, these assets ultimately disappear from the balance sheet when they have been full depreciated and sold as a scrap. Okay,
द कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इफ नथिंग हैज़ बीन पेड टू एक्वायर एन एसेट इट कैनॉट बी शोन एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कॉस्ट कॉन्सेप्ट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट इम्प्लाइज दैट द फिगर शोन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड नॉट ऑन द सब्जेक्टिव व्यूज ऑफ अ पर्सन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कंसेप्ट दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स एसेट टू बी शोन एट द प्राइस इट हैज़ बीन एक्वायर्ड विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. एंड द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट इज दैट इफ द बिजनेस एंटिटी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर एन एसेट दिस आइटम विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके. एंड द कॉस्ट कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट इज दैट इफ द बिजनेस एंटिटी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर एक्वायरिंग और परचेसिंग एन एसेट दिस आइटम वुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दस गुडविल अपीयर्स इन द अकाउंट्स ओनली इफ द एंटिटी हैज़ परचेस्ड दिस इनटैंजिबल एसेट फॉर अ प्राइस. ओके. ये कॉस्ट कंसेप्ट जो है उसके ऊपर ही कॉस्ट अटैच कंसेप्ट है वो डिपेंड होती है. कॉस्ट अटैच कंसेप्ट मतलब अगर कॉस्ट कंसेप्ट नहीं होती तो कॉस्ट मर्ज कंसेप्ट या कॉस्ट अटैच कंसेप्ट नहीं होती. ओके. कॉस्ट अटैच कंसेप्ट मीन्स दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट मर्ज कंसेप्ट. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल इट इज़ नेसेसरी टू परचेस रॉ मटेरियल प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड आर्टिकल. ओके. दिस कॉल्स फॉर द सर्विसेस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर देयर आर सेवरल अदर कॉस्ट लाइक लेबर कॉस्ट पावर एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस. दिस कॉस्ट्स हैव कैपेसिटी टू मर्ज और अटैच व्हेन दे आर बॉट टुगेदर. दस द प्रोपोर्शनेट रॉ मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट एंड अदर ओवरहेड्स आर एडेड टुगेदर to obtain product cost so as to increase the utility of cost data. Okay, cost attached concept को ही cost merge concept बोला जाता है. cost merge concept means जब हम कोई product की cost निकालते हैं या value निकालते हैं that time उसमें labor charges include होते हैं, other expenses include होते हैं, उसके बाद उसमें रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड करते हैं, उसे कॉस्ट मर्ज कंसेप्ट बोलते हैं. ओके. देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. ओके. ये जो है सेवन नंबर की कंसेप्ट हो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. ये कंसेप्ट जो है ये हमें किस लिए यूज़फुल होती है तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए. उसके बाद इनकम कैलकुलेट होता है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेशन करना बोलते हैं ना, वो उसके लिए ये कंसेप्ट जो है बहुत यूज़फुल है. उसके बाद अगर हमारे कुछ बैंक स्टेटमेंट है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क है या एनालिसिस करना है तो इसके लिए भी ये कंसेप्ट बहुत यूज़फुल है. ओके.
अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट स्ट्रेस द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इट इज कस्टमरी टू डिवाइड इट्स लाइफ इंटू चैप्टर नोन एज अकाउंटिंग पीरियड्स एन अकाउंटिंग पीरियड इन द इंटरवल of time at the end of which the income statement and financial position statement are prepared to know the result and resources for the business. Although shorter periods are frequently adopted for purpose of comparative studies, the normal accounting period is 12 months. This is because though the life of the business is considered to be indefinite, the measurement of income and studying the financial position of the business after a very long period would not help in taking timely corrective steps or to enable periodic distribution of income to proprietors with reasonable safety. Therefore, it is necessary for the concern to stop at regular interval and see back how it is faring. Okay, the following points highlighted the significance of accounting period concept. First one is it helps in predicting the future prospects of the business. Second one is it helps in calculating tax on business income calculated for a particular time period. And third one is it also helps bank, financial institutions, creditors, etc. to access and analyze the performance of business for a particular period. And one more important thing is it also helps the business firms to distribute their income at a regular interval and dividends. Okay. जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है वो ऑल टाइप्स की मतलब कोई भी टाइप्स की कंपनी हो या छोटी फर्म है हो या सोल ट्रेडर है उनके लिए यूज़फुल होती है क्योंकि इसमें क्या होता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट और उससे रिलेटेड टैक्स पे करना हो या कुछ गवर्नमेंट ड्यूज देने हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट बनाने हैं इस के लिए ही अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बहुत यूजफुल होता है. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्रुअल कंसेप्ट मीन्स द एक्रुअल सिस्टम इज अ मेथड वेयर बाय रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर identified with specific periods of time like a month, half year or a year. It implies recording of revenues and expenses of a particular accounting period, whether they are received or paid in cash or not. Under cash system of accounting, the revenue and expenses are recorded only if they are actually received or paid in cash. Irrespective of the accounting period to which they belong, but under accrual method, the revenues and expenses relating to that particular accounting period only are considered. Okay? And the significance, important significance in this method are, it helps in knowing actual expenses and actual income during a particular time period.
एंड इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. मीन्स जो एक्रुअल कंसेप्ट है उसमें क्या है, हमें क्या पता चलता है एग्जैक्ट हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंसेस एन अ पर्टिकुलर पीरियड, हमें पता चलता है एक्रुअल कंसेप्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस कैसे बायफर्केट करने. ओके, उसके बाद ईयरली हो या मंथली हो या सिक्स मंथली हो, जो भी सॉरी, हमें बैलेंस शीट बनाने मतलब कॉस्ट शीट बोलो या इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो शीट बनाना है उसके लिए ये कंसेप्ट यूजफुल होती है. फॉर एग्जांपल अ फर्म सेल्स गुड्स, अ फर्म सेल्स गुड्स फॉर रुपीज 55,000 ऑन 25th March 2019 and the payment is not received until 10th April 2019. The amount is due and payable to the firm on the date of sale, that is 25th March 2019. It must be included in the revenues for the year ending 31st March 2019. Similarly, the expenses are recognized at the time services provided irrespective of the fact when actual payment for these services are made. For example, if the firm received goods costing rupees 20,000 on 29th March 2019, but the payment is made on 2nd April 2019, the accrual concept requires that expenses must be recorded for the year ending 31st March 2019. Although no payment has been made until 31st March, though the service has been received and the person to whom the payment should have been made is shown as credit. In brief, accrual concept requires that revenue is recognized when realized and expenses are recognized when they become due and payable without regard to the time of cash receipt or cash payment. Means accrual concept concept जो है उसमें क्या है specific मतलब maintain होता है account और उसमें पता चलता है कि कौन से date को हमें payment आने वाला था लेकिन कौन से date को आ गया, मतलब वो उस पेमेंट की एंट्री लास्ट ईयर के अकाउंट में करनी है नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर की, ये सब हमें एक्रुअल कंसेप्ट के हिसाब से पता चलता है. ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज आई थिंक उसका फोटो. ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ 9-10 क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंटिंग कन्वेंशन दिखा रहे हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट इज पीरियडिक मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट. ओके, कॉस्ट रेवेन्यू कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. Making profit is the most important objective. Tech keeps the proprietor engaged in business activities. That is why most of the accountant's time is spent in evolving the techniques for measuring the profit and profitability of the concern. To ascertain the profit made during a period, it is necessary to match revenues of the period with the expenses of that period. Income necessary to income earned by the business during a period can be measured only when the revenue earned during the period is compared with the expenditure incurred to earn that revenue.
द क्वेश्चंस व्हेन द पेमेंट वॉज मेड और रिसीव्ड इज इरिलेवेंट, देयरफॉर एज पर दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट आर मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and earned income etc. okay, and the more important significance of periodic or revenue concept is as follows. First one is it guides how the expenses should be matched with revenue for determining exact profit or loss for the particular period. And it is very helpful for the investor shareholders to know the exact amount of profit or loss of the business. Means जो revenue concept है वो हमें ज़्यादा किसको useful है, हाँ मतलब business man या जिसकी owner को तो useful है ये, क्योंकि exact profit calculation and revenue कितना है, मतलब इनकम कितना है और उस हिसाब से प्रॉफिट कितना डिक्लेयर करना है इसके लिए. बट ज़्यादा हेल्पफुल किसे होता है, इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को, क्योंकि क्या होता है एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है वो उनको पता चलता है और उस हिसाब से शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी में कितनी करनी चाहिए डिसाइड करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट. रियलाइजेशन कंसेप्ट मतलब जब हमने ये देखा, फर्स्ट टॉपिक पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसमें था फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन. ओके, मतलब क्या, कोई भी एसेट होती है उसकी अमाउंट फाइनल करना या उससे रिलेटेड जब हम सेल करते हैं एसेट तो उसकी कॉस्ट फिक्स करना, मतलब रियलाइजेशन करना है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट प्रॉफिट शुड बी अकाउंटेड फॉर ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड. रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सेल इज अफेक्टेड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड. Sale is considered to be made when the property in goods passes to the buyer and he is legally liable to pay. However, in order to recognize revenue, receipts of cash is not essential, and even credit sale results in realization as it creates a definite assets called account receivable. However, these are certain expectations to the concept, like in case of contract accounts, hire purchase etc. Similarly, incomes like commission, interest, rent are shown in profit and loss account on accrual basis, though they may not be realized in cash on the date of preparing accounts. Okay, and this method concept helps in making the accounting information for more objective, and it provides that the transactions should be recorded only when goods are delivered to the buyer. And next concept and last concept is last concept is verifiably objective evidence concept. Evidence मतलब पुरावा, लेकिन ये concept में पुरावा मतलब जब हम evidence मांगते हैं तो क्या होता है, कोई भी केस होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, evidence मांगते हैं. evidence क्यों मांगते हैं, क्योंकि उस बेसिस पे हमें वो केस का रिजल्ट लगाना पड़ता है. लेकिन कंपनी रिलेटेड
कुछ वर्क है तो उसमें एविडेंस मतलब क्या होता है, अपने वाउचर्स मेंटेन किया है, बिल पास किया है, पासबुक, चेकबुक, ये सब चीज़ें एविडेंस में जाते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। दिस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, करस्पॉन्डेंसेस, वाउचर्स, बिल्स, पासबुक एंड चेकबुक एक्सेट्रा। सच अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज एंड फॉर वेरिफिकेशन बाय द ऑडिटर्स लेटर ऑन। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो हैज इट्स लिमिटेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई इंटरनल एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू अकाउंटिंग पीरियड्स। ओके, मतलब ये जो लास्ट हमारी क्या है कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई। आई थिंक आप लोगों को जो 11 कंसेप्ट्स था कंसेप्ट थी वो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग रूल एंड कंसेप्ट जो है उसके ऊपर ही हमारे अकाउंटिंग चलता है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट का अलग एक मोटिव रहता है। मतलब हर एक कंसेप्ट हर एक चीज़ को हेल्पफुल होती है। जैसे कि कोई कंसेप्ट कॉस्ट फाइनल करने के लिए यूज़ होगी, कोई कंसेप्ट शेयर होल्डर के लिए यूज़फुल होगी, कोई कंसेप्ट मतलब पूरे के पूरे जो कंसेप्ट्स है वो एज अ कंपनी, एज अ सोल ट्रेडर या फिर पार्टनरशिप फर्म, उनके लिए तो यूज़फुल है ही। उसके साथ साथ जो शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर हैं उनको भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जब तक हम प्रॉफिट डिक्लेरेशन नहीं करते या फिर एनुअल मीटिंग में हमारी कंपनी की पोजीशन डिक्लेयर नहीं करते, तब तक कोई भी इन्वेस्टर या शेयर होल्डर हमारी कंपनी के तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। और इस कंसेप्ट को फॉलो करके अगर कुछ डिसीजन लेती है कंपनी तो बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसे ही मतलब जो भी फर्म हो या प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या फिर सोल ट्रेडर की बात थोड़ी अलग है, लेकिन जो भी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर प्राइवेट कंपनी है, उनको कंपनी एक्ट 2013 और लास्ट जो हमारा एक्ट था 1956, उस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो लीगली हम बोलते हैं ना, लीगली वर्क करना है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके कंपनी सब कुछ कर सकती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को मैं आपका कह लूँगी अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कंसेप्ट थोड़ी अलग अलग है। कंसेप्ट मतलब पूरा अकाउंटिंग है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, रूल्स के ऊपर कंसेप्ट, कंसेप्ट के ऊपर रूल डिपेंड है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बैलेंस शीट डिपेंड है, सेल मतलब परचेस, अगर रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो उसके ऊपर प्रोडक्शन सेल डिपेंड है। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है अकाउंटिंग जो है, या अकाउंट जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा रेगुलर का भी अगर हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया कि रोज़ एवरी डे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हो, ओके, आपको पॉकेट मनी मिलता होगा या बहुत सारे स्टूडेंट अब जॉब को है, तो आप क्या करते हो, आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है वो निकालते हो, जो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा है वो थोड़े अवॉइड कर दोगे। ओके, उसके बाद प्रायोरिटी के हिसाब से आप एक्सपेंसेस क्या करोगे, राइट डाउन करोगे या फिर अपने जो बुक मेंटेन की उसमें लिखोगे। ओके, तो मुझे बताना गया है कि जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है
वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब हमारा जितना इनकम है उतने ही हम एक्सपेंसेस करते हैं ना, या इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, नहीं होते, हम वो मैनेज करते हैं, हो भी जाते हैं। ऐसे नहीं कि अगर 10 रुपए हमारे पास है और हम 20 रुपीज़ नहीं एक्सपेंसेस कर सक, मतलब वो खर्च नहीं होने चाहिए हमारे, वैसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। ये सब हमें घर में, हमें अकाउंटिंग कोई सिखाता है क्या? हाँ बाबा, तुम्हारी महीने की सैलरी इतनी है, आप इतना खर्चा ऐसे करो वैसे, वो कोई कंसेप्ट है क्या उसमें? नहीं है, अपने आप हम सीख जाते हैं। लेकिन जब हम कोई कंपनी चलाते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस सीखेंगे। थैंक यू।